आज का ये एपिसोड आपके सामने एक 16 साल की लड़की के साहस की कहानी लेके आया है। उन 2 मिनट में हमारी जिंदगी तो बदल गई, पर उसके बाद हम खुद को और हमारे अपनों को संभालने में लग गए। लेकिन इस 16 साल की लड़की ने अपने साहस और निडरता से 20 से भी ज्यादा लोगों की जानें बचाई। करेज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग के नाम से इनकी कहानी को आज जापानी, चीनी और भारत के CBSE बोर्ड की इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है। आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं आज इनके साहस और निडरता की कहानी। मिलिए मिसेस क्रिमाली केशवानी घोर से। आज हम उनसे बातें करेंगे कि उनका अनुभव क्या रहा भूकंप के वक्त, और हमें वो बताए। तो मैं पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि काश मैं उस दिन ये कर देता, काश मैं उस दिन ये कर देती, या थोड़ी सी मदद में किसी की कर देती, पर आपने वो डिसीजन लिया और हिम्मत से वो कर दिखाया उसी क्षण पे। तो आपका उस दिन का थोड़ा अनुभव बताइए, पर पहले हमको ये बताइए कि आपकी आयु एज क्या थी उस दिन जिस दिन ये सब भूकंप हुआ और आपने इतनी साहस से सब कार्य किया और बहुत सारे लोगों को बचाया। तब मेरी एज 16 साल थी। एक्चुअली हमारी खुद की शॉप थी, तो उस दिन ओपनिंग हुआ था, तो सब मैनेजमेंट के लिए जाना था मुझे शॉप पे। तो मैंने पापा को बोला मैं ठीक है आज मैं जल्दी जाती हूँ, कुछ भी करना है तो मैं जल्दी से काम वहाँ पे निपटा लूँ, फिर आप बाद में आ जाना। तो सुबह 8 बजे से मम्मी को मैं बोल रही थी कि मुझे चोटी बना दो, चोटी बना दो। तो मम्मी बोल रही थी हाँ ठीक है चाय बना के मैं बना देती हूँ। उसी दौरान मुझे क्या सूझा पता नहीं, मैं निकल गई घर से कि चलो अभी मैं कंप्लीट रेडी हो गई हूँ। तो मैं नीचे गई, स्कूटी का चाबी लिया, फिर वो नीचे ही फर्स्ट फ्लोर पे चाचा का घर था, तो वहाँ पे भी मैंने देखा दादी बैठी थी, उनको जय श्री कृष्ण किया और गई नीचे। फिर मैं जब स्कूटी स्टार्ट करने गई तो आईने में मैंने देखा रे मेरे बाल तो बने नहीं, तो फिर अचानक से याद आया तो मैं वापस घर पे गई। जैसे घर पे जाके मैंने चप्पल उतारा, दरवाजा बंद किया और एकदम से हिलने लगा पूरा, तो मैं घबरा गई ये क्या हो रहा है। तो मैं वहीं से ही हॉल में से मम्मी को चिल्ला रही थी मम्मी क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। फिर पापा ने बोला तू हिलना मत, जहाँ पे भी खड़ी है वहां पे खड़ी रहे। तो बहुत सी बाहर से भी आवाजें आने लगी, एकदम से चिलम चिली हो रही थी। उतनी देर में मेरे चाचा चाची और उनके लड़के की आवाज आई, उन्होंने पापा के नाम से बोला जगदीश रेखा भाभी बाहर निकलो ऐसे। उतनी देर में जो हिल रहा था ना, तो पूरा सीढ़ी का जो पोर्शन था वो गिर गया, तो वो उसमें ही आ गए। आवाज तो हमें सुनाई कि ऐसा बोल रहे हैं, तो पापा ने सुना, पापा ने बोला कि तू जा जल्दी। जैसे मैंने मेन डोर खोला तो ऊपर से सीढ़ियां गिर रही थी, तो पूरे पत्थर घर में आ गए। तो फिर पापा ने बोला तू एक काम कर, पीछे गैलरी में से बोल दे उनको कि आप जहाँ पे भी हो वहीं खड़े रहो। तो वहां पे भी आवाज तो इतनी आ रही थी कि पता ही नहीं चल रहा था, हाँ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर जब सब थम गया, फिर मेन डोर से देखा तो पूरा बिखरा हुआ और इतना मलबा इकट्ठा हो गया था कि अक्ल ही काम नहीं करे अपनी के क्या करे क्या नहीं। तो मैं ऐसे चिल्ला के बोल रही पापा ये देखो क्या हुआ अभी कैसे करेंगे। हम सेकंड फ्लोर पे थे, टोटल हमारा फोर्थ फ्लोर का बिल्डिंग था। अच्छा। तो जो एक साइड जो था वो बड़े फ्लैट थे और बाकी के साइड 2 BHK वाले 3 फ्लैट थे, तो बीच में जॉइंट में वो सीढ़ी थी तो वो ही गिर गई। तो जो सामने वाला पोर्शन था वो पूरा हमारी साइड पे आ गया था। तो अभी मलबे पे मैंने पापा को बोला अभी जाएंगे कैसे, पापा ने बोला रुक अभी देखते क्या कर रहे, दिमागी काम नहीं कर रहा था। पापा और बहन थी, हाँ 3 बहन थी मेरी। अच्छा। मैं बड़ी बहन, हम 4 बहन है। तो हम सब हॉल में इकट्ठा हो गए। फिर पापा बोले मैं बेडरूम में से गद्दे लेके आता हूँ और तू नीचे फेंकूंगा, तू उस पे जंप लगा देना, फिर टर्न बाय टर्न उतर जाएंगे। तो फिर मेन डोर के पास आई तो पूरे बिल्डिंग में जो लोग थे अड़ोस पड़ोस वाले पूरे चिलम चिली हो रही थी, इतनी बचाओ बचाओ ऐसे हो रहा था। तो फिर मैंने पापा को बोला अभी मैं सेकंड फ्लोर से इतने मलबे के ऊपर जंप कैसे मारूं। पापा ने बोला कैसे भी तो उतरना तो है ही।
तो पापा जब गद्दे लेने गए, मेरे को क्या सूझा पता नहीं, मैंने जंप ही लगा दिया ऐसे। बिना गद्दे के? हाँ, बिना गद्दे के ही जंप लगा दिया। तो फिर थोड़ा हाथ में खरोच आई, ज्यादा नहीं लगा, पर ठीक है। फिर फर्स्ट फ्लोर पे काका का जो घर था मेरे, उनके घर तक मलबा आ गया था। तो पापा को मैं चिल्ला के बोल रही, पापा बोले हाँ अभी कुछ तो करना पड़ेगा। करना तो मैंने बोला पड़ेगा। आप नीचे आओ। तो फिर पापा ने बोला नहीं, आप ऐसे करो, जो भी आपको हेल्प से जो बाहर निकलता है आप उसको हेल्प करो पहले उतरने के लिए, हम बाद में उतरेंगे। तो उतने में एक अंकल दिख गए हमारे, बिल्डिंग वाले ही, हाँ फोर्थ फ्लोर पे रह रहे थे। नीचे दिखे तो पूरा मलबे वाला एरिया हो गया पूरा था, डस्टी हो गया होगा तो पूरा। दीवार सब टूट गई थी। तो वहां से जंप लगा के मैं नीचे तक पहुंची उनको बोलने के लिए कि कोई तो हेल्प, क्योंकि हमारी पूरी बिल्डिंग में जो हाँ प्रॉब्लम हुई उसमें मलबे के ऊपर मैं ही एक थी, बाकी सब तो ऊपर सब। ही थे। तो हाँ फिर मैं वो अंकल को बुलाने गई कि चलो ना अंकल आप हेल्प करने के लिए, आपके बीवी बच्चे भी ऊपर है। तो वो बोले नहीं, क्योंकि वो जो छत थी ना वो पूरी हाँ स्लाइड की तरह हो गई थी, लटक वो रही थी। नहीं तो आएगा। डर उनको यही था कि वो गिरेगी। तो फिर वो उन्होंने तो ना ही बोल दिया। तो कोई मतलब सब अपने में उस टाइम पे किसी का दिमाग पर काम उनके नहीं कर फैमिली रहा था। मेंबर्स अटके हाँ, हैं, अटके आपके हुए अटके थे। हैं, पर आपके बोल रहे हैं कि हाँ दूसरों को बचाओ फिर हमें। हाँ तो हमने बोला कि दूसरों की हेल्प मत करो, लेकिन आपके बच्चे और बीवी हैं उनकी हेल्प के लिए तो आप चलो। वो चिल्ला रहे हैं वहां से। तो वो अंकल नहीं आए। फिर मैं वापस आई, फिर सेकंड फ्लोर पे जो रह रहे थे अंकल, उनको बोला कि आप आओ हेल्प, मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, आप नीचे आ जाओगे, फिर हम वो रीटा जो थी उसको निकालेंगे। पूरी मलबे में दब गई थी, वो उसके पैर ही दिख रहे थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम कैसे हेल्प करें, क्योंकि लेडीज है और फिर वो उल्टी है। फिर मतलब तब तो क्लियर नहीं हुआ था कि मेरी सिस्टर है कि वो वाली रीटा है। तो फिर दूसरे जो आंटी थे उन्होंने बोला कि नहीं, वो तेरी सिस्टर नहीं है, वो वो जो अपने प्रेग्नेंट तीसरे औरत। माले पे रीटा बहन रहती है वो है। मैंने बोला चलो ठीक है, फिर भी जो भी है है, बचाना हाँ है बचाना तो है अपने को। तो मतलब उनके पैर हिल रहे थे, तो वो महसूस हो जिंदा रहा था कि थी। नहीं वो जिंदा ही है। तो फिर मैंने वो दो अंकल को बोला, तो अंकल बोले नहीं, लेडीज है, हम उसको कैसे इस कंडीशन में मतलब निकाले, पूरी उल्टी थी। तो फिर सबने मतलब चिल्ला के बोला कि अरे भाई इस टाइम पे आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, इसमें शर्म वाली या कोई बात कोई नहीं है, बात आप नहीं है, ये हेल्प तो करो। ह्यूमैनिटी। फिर वो हाँ सब पत्थर वगैरह हटा के उनको निकाला बाहर, पूरे उल्टे थे, हाँ मतलब हाँ थोड़ा ब्लड वो सब हो हाँ गया था बॉडी। उसके नीचे उसके 4 साल की बेटी थी गॉड। एक्चुअली। फिर मतलब तब तो कोई टाइम नहीं था कि किसी से क्या बात करे, क्या नहीं, कैसे हुआ क्या नहीं, बस एक ही था कि सबको बचाना। वहां से बच के निकलना है। फिर दूसरा फोर्थ फ्लोर पे मेरी फ्रेंड रहती थी, उसका भाई था, वो किचन में तब चाय पी रहा होगा, हाँ मतलब थोड़ा बहुत। फिर बाद में पता चला फिर कि उस टाइम पे क्या मूवमेंट हो रही थी, फिर राइट। सबसे बात हुई, तो वो तब चाय पी रहा होगा। तो सुबह में क्या होता है कि पानी की टंकी फुल भरते हैं ऊपर, अच्छा तो मोटर वो वाला। हाँ भरी हुई थी, जो ये सीढ़ी का पोर्शन गया एग्जिट ऊपर ही थी, तो वो पूरा टूट नीचे आया। गया। तो वो फोर्थ फ्लोर पे रह रहा था, उसके किचन की साइड पे होता था, तो वो पूरा टूट के उसके ऊपर गिर गया। तो उसकी बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई, और मतलब वो हाँ ऐसे जिंदा ही था, मर नहीं गया था। पर वहां से फिर वो चिल्ला रहे थे मेरा भाई मेरा भाई, उसकी मम्मी, वो सब फोर्थ फ्लोर पे। राइट राइट। तो बोले कि अभी क्या करें क्या करें, जो छत की जो स्लाइड हो गई थी मतलब जैसे। तो बोला कि अभी कोई स्कोप ही नहीं है, कोई पकड़ के भी नहीं आ सकता है कि रस्सी हाँ वस्सी या कुछ साड़ी बांध के था आप ही आ नहीं, जाओ, ऐसा था ही कोई नहीं। पोर्शन था ही नहीं, क्योंकि सब में यही डर लग रहा था कि साड़ी वगैरह बांधेंगे स्लिप हो तो गए छत तो फिर। हो, हाँ वापस कुछ पत्थर हाँ आ हाँ गया, कि हाँ हाँ ऐसी कोई राइट। तकलीफ। तो फिर बोला लास्ट में कि अभी कोई स्कोप नहीं है, आप उसको ना स्लाइड करके ही नीचे भेजो, फिर मैं वहां से उठा लूंगी। तो उन्होंने मन नहीं मारा, मान रहा था उनका, पर फिर भी उन्होंने ट्राई किया कि बोलो चलो ऐसे कैसे ऊपर से फोर्थ फ्लोर से स्लाइड करें उसको नीचे राइट। बॉडी को भेजे। तो फिर उन्होंने किया, उसकी बॉडी नीचे आ गई, पर उसको कुछ पता ही नहीं था लड़के को। तो बॉडी तो उसकी पूरी जो गिर मलबा था गई। उस खड्डे में दूर जाके गिरी। तो भी वो भी मेरे जितनी ही एज का होगा, 15-16 साल का। तो भी ऊपर से जो बॉडी है उसकी बॉडी इतनी हेवी हो गई थी कि मैं उसको पकड़ ही नहीं हाँ पाई। पकड़ ही नहीं पाई। फिर वहां पे जो खड्डे में गिरी, पर कैसे भी करके उसको मैं वहां से
सिंगल हैंडेड, हाँ सिंगल हैंडेड में उसको उठा उठा के फिर मैं जहाँ खड़ी थी वहां तक ले आई। फिर पापा को बोला कि अभी आप नीचे आ जाओ, उसकी बॉडी को बाहर बिल्डिंग से निकालना पड़ेगा। फिर पापा को सपोर्ट से उतारा, फिर मैंने और पापा ने पहले उसको बाहर निकाला। तो जिंदा था? नहीं, जिंदा मतलब उसकी सांसें चल रही थी पर प्रॉपर तब नहीं बता सकते कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि फिर ऊपर से जो नीचे गिरा उसमें क्या इंजरी हुई हो, बाद में तो उसकी डेथ हो गई वो लड़के की, पर उस टाइम पे मतलब सांसें चल रही थी इसलिए बचाना, तो बचाना जरूरी था। उतनी देर में एक शादी भी थी जो एक फ्लैट था उसमें जो सब रह रहे थे, उस लड़के की शादी थी तो सब घर वाले तो शादी में चले गए थे, उसकी एक बहन डिलीवरी पे आई हुई थी तो वो वहां पे थी, उसकी घर बेटी हुई थी तो वो एक डेढ़ महीने की होगी, तो वो नहीं गए थी तो वो भी रो रही थी कि हमें कौन बच्चा है कौन बच्चा है। फिर उनको बोला कि अभी क्या करे, तो ऊपर से फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो बोले कि ठीक है फिर क्या करते, तो ऐसे 8-10 चादरें घर में थी वो साड़िया वाड़िया में लपेट के उनकी डेढ़ महीने की बेटी को उन्होंने भेजा। मुझे बहुत बार बोला कैच करोगे आप, मैंने बोला ये तो भगवान के हाथ में, मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगी कि बच जाए। मतलब उन्होंने जब फेंका वहां से ऊपर से तो कैच तो हो गई बच्ची अच्छे से, फिर पापा को दिया। फिर जो अंकल थे ना उनकी फैमिली में जो उनके दो बच्चे और वाइफ थी तो उनको भी फिर क्या अभी जो भी जिंदा बच्चे हुए थे उनको स्लाइड करके ही आने का एक ही रास्ता था, तो सब ऐसे स्लाइड करके ऊपर से नीचे आने लगे, किसी का पैर टूटा किसी का हाथ टूटा, बहुत मतलब इंजरी हुई, फिर भी खड़े नहीं हो पाए, तो उन सबको एक एक करके मैंने और पापा ने नीचे तक पहुंचाया सबको। फिर लास्ट में हमारी साइड पे जो एक फैमिली रहती थी फोर्थ फ्लोर पे, उनको मतलब वहां पे सपोर्ट अच्छा था तो उनको बोला साड़ी बांध के नीचे आओ, फिर ऐसे करके उनको भी नीचे उतारा। फिर लास्ट में मेरी मम्मी और मेरी बहन को नीचे उतार के सबको सेफली, मतलब मलबा ही था पूरा एरिया मलबा ही बन गया था, तो सेफली सबको बिल्डिंग का जो भय था एकदम से वो इतना भयानक लग रहा था ना कि कौन से टाइम पे वो छत आके हमारे पर गिर जाए ऐसी पोजीशन में, मतलब वहां से एक ही वो था कि बस यहाँ से निकलो यहाँ से निकलो, तो उस टाइम पे लास्ट में सबको निकाल के फिर मैं और पापा वहां से निकले। फिर ऐसे करके वो हमारे एरिया में ही एक मतलब ग्राउंड जैसा एरिया है बीड बोलते हैं उसको, वहां पे सब जाके बैठे। फिर सोच रहे थे इतनी देर में हम मलबे पे थे ना तभी मेरे चाचा का लड़का आया, वो स्कूल गया था 26 जनवरी थी, तो वो नीचे आके खड़ा है मुझे देख रहा है बोल रहा है गुडी, मतलब मेरा निकनेम गुडी है तो वो बोल रहा है मुझे हमारी कच्ची लैंग्वेज में कि मुझे मम्मी पापा कड्डा आई। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि उस टाइम पे मैंने उसको बोला क्योंकि मेरे अंकल और आंटी जब बाहर निकले ना पापा मम्मी का नाम का चिल्ला के लगा वो निकल गए, हाँ निकल गए, तो मैंने मतलब थोड़ा गुस्सा होके बोला कि देख ऐसे निकल गए तेरे मम्मी पापा तो हमको ऐसे में छोड़ के निकल गए, पर एक्चुअल में मुझे पता नहीं था कि मैं उनके ऊपर मलबे में दबे हुए हैं और मैं उनके ऊपर ही खड़ी हुई हूँ। फिर ऐसे रोड पे बैठे थे, फिर मेरी नानी का घर नलिया है तो फिर कुछ लोगों ने बताया कि वहां की जगह सेफ है अभी, यहाँ पे तो घर घर था पता कुछ था ही नहीं तो फिर कहाँ पे जाए। तो फिर हम एक दिन वहां पे चले गए मेरी नानी के घर, फिर ये कितना 10-12 दिन हुए होंगे तो हम वहां से आए क्योंकि इनकी बॉडी नहीं मिल रही थी ना, 10-12 दिन तक काका काकी की बॉडी का पता नहीं चला था, तो हम आए थे वापस। तो हम इंक्वायरी जस्ट कर रहे थे कि थोड़ा बहुत मलबा हटा था तो घर का, तो मतलब एक लेडी का पांव बाहर था एक का फंसा हुआ था, तो हम उस पे पहचान कर रहे थे कि शायद मेरी आंटी हो ऐसा करके। तो जो अंकल नहीं आए ना हेल्प के लिए उनकी वाइफ थी वहां पे, तो वो तब सब शूट हो रहे थे न्यूज वाले बहुत से आए हुए थे तो आज तक न्यूज चैनल वाले आए हुए थे, तो उनको आंटी लेके आई के चलो चलो हम हमारे एरिया में ना हमें सबको ये लड़की ने हेल्प की है, जहाँ मेरे हस्बैंड भी हमको हेल्प करने के लिए नहीं आए वहाँ पे इस लड़की ने हमें हेल्प की है, तो फर्स्ट फिर ऐसे मेरा आज तक में इंटरव्यू आया था
अर्थक्वेक रिलेटेड के उस टाइम पे उन्होंने बोला कैसे किया, क्या सबको किस हिसाब से बचा है, वो सब मैंने डिटेल्स दिया उनको। फिर उसके बाद अपना लोकल न्यूज पेपर कच्छ मित्र उसमें आया। फिर उसके बाद रीडर्स डाइजेस्ट का नाम सुना होगा। हाँ, तो उन्होंने उनके जो राइटर थे वो खुद अमेरिका से आए थे, तो मैं जहाँ विलेज पे रहती थी वहां पे मुझे मिलने आए थे, उन्होंने भी स्टोरी बनाया। हमने पोस्ट पढ़ा आपके बारे में कि जापानीज यूनिवर्सिटी और चाइनीज यूनिवर्सिटी में आपका एक चैप्टर है पूरा सिलेबस। हाँ। और अब तो शायद रिसेंटली सीबीएसई बोर्ड के कोर्स बुक में भी आपका चैप्टर, आपके ऊपर पूरा चैप्टर है ना, करेज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। हाँ, हमने देखा तो वो सब रीडर्स डाइजेस्ट के थ्रू ही आया हुआ है, और चित्रलेखा में भी था, स्टार न्यूज में, और एक ऐसे अर्थक्वेक पे शॉर्ट फिल्म भी बनी हुई थी। हाँ। पर उस टाइम पे ऐसा कुछ वो था नहीं कि किसी से रिकॉर्ड ले या कलेक्ट करके रखे, तो ये सब उस टाइम पे हुआ था। आपको ये प्रेरणा पापा ने दी ना? हाँ, छोटे से मतलब आप कर रहे थे खुद से काम, पर एक्चुअली आपको हाँ फुली सपोर्ट मेरे पापा करने के, ये करो ये करो। हाँ, मेरे पापा पहले से छोटे थे ना तब से बोल रहे थे कि कोई भी काम है मतलब कभी भी ऐसे पीछे नहीं हटना है, उसका डट के सामना करना है, कोई भी सिचुएशन हो चाहे मुश्किल ही हो। मतलब उन्होंने मुझे बोला कि जंप लगा, तो एक टाइम तो मुझे ऐसे ही लगा था कि पापा मुझे बोल रहे सेकंड फ्लोर से नीचे जंप कैसे, मैं कैसे लगाऊं, पर हाँ। फिर सोचा कि नहीं पापा बोल रहे तो चलो लगा दो। अभी वो एरिया आप देखते, आपका बिल्डिंग का नाम क्या? करुणा धन कृपा भीड़ में। हाँ, मेरे दादा के नाम से ही थी। अच्छा। अभी तो उस जगह पे रोड बन गई। अभी आपने और एक करेज का काम किया कि आप और मदर बनी, खुद एक मदर। हाँ। बनी, तो आप अपने बच्चे मतलब आपके बच्चे आपके बारे में पढ़ते होंगे और बहुत प्राउड फील करते होंगे। हाँ। तो आप उनको क्या बोलते हैं कि क्या सलाह देते हैं, और हमारे व्यूअर्स को इतना करेजियस होने के लिए आप कुछ एडवाइस देंगे क्या? कैसी भी सिचुएशंस रहे उसका डट के सामना करना है, कभी पीछे नहीं मुड़ना है, भागना नहीं है। तो आप कैसी भी सिचुएशन में आगे रहो और हिम्मत रखो। बहुत सारी अंदर से भी मेरे तरफ से भी आपके लिए बहुत ऐसी दुआएं निकल रही है कि आप भी मतलब आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़े और आपका नाम हो। अब अभी तक तो हुआ ही है, पर मेरे लिए मेरे मन से और आपके लिए दुआ निकलती है कि क्या मतलब लेडी है कि जिन्होंने अपना खुद का विचार नहीं किया, आफ्टर शॉक्स का विचार नहीं किया और काम किया। बस मुझे बहुत प्रेरणा मिली आपसे, और थैंक यू हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू।